फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है इतिहास का सबसे बड़ा अचानक कुछ नहीं हुआ है। चलो देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर इतिहास का सबसे बड़ा असोल्ट लॉन्च कर दिया है। सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है ये, क्योंकि इस हमले में रूस ने ऐसे ऐसे हथियार चलाने शुरू कर दिए हैं जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था। और इन हथियारों से बड़ा रूस की सेना के पास कोई और हथियार मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, मैंने आपको कल भी खबर दी थी कि कल रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया था यूक्रेन पर, लेकिन रूस वहीं नहीं रुका। आज फिर दूसरे दिन लगातार रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च करी हैं। और जिन लोगों को हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में कुछ नहीं पता, बस दो बातें समझ लो। पहली तो ये कि रूस के अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं है। दूसरी बात ये कि हाइपरसोनिक मिसाइल से खतरनाक मिसाइल इस धरती पर मौजूद ही नहीं है। सबसे छोटी की मिसाइल है हाइपरसोनिक। और इतना ही नहीं, इस धरती पर कोई ऐसा रडार नहीं, कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सके। अब आप जरा खुद सोचिए कि इस लेवल के हथियार रूस ने पिछले 48 घंटों में यूक्रेन पर चला दिए हैं, और इसमें यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है। कल जो हाइपरसोनिक मिसाइल हमला हुआ था, उसमें जो इनका यूक्रेन का हथियार डिपो था, यानी कि जहां पर हथियार जमा होते हैं, उसे तबाह किया गया था। और आज जो हमला किया गया है वो यूक्रेन के एक तेल डिपो पर किया गया है, यानी कि वहां पर यूक्रेन की सेना के लिए भारी मात्रा में तेल जमा करके रखा गया था, उसे नष्ट कर दिया गया है। यानी कि रूस की रणनीति फिलहाल ये है कि यूक्रेन की जो सप्लाई है उसे किसी तरीके से तोड़ा जाए। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल हमला करने का एक खास कारण यह भी था कि पश्चिमी देशों को यहां पर साफ संदेश दिया जाए कि युद्ध जीतने के लिए अब रूस किसी भी हद तक चला जाएगा। इसका कारण यह है कि जो तेल डिपो और हथियार डिपो नष्ट किया गया है, उसे रूस चाहता तो अपनी क्रूज मिसाइलों से भी नष्ट कर सकता था, क्योंकि आज की तारीख में यूक्रेन की सेना के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो रूस की खतरनाक क्रूज मिसाइलें या बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक पाए। ऐसे में हाइपरसोनिक मिसाइलें खासकर इसलिए इस्तेमाल की गई है जिससे कि एक तो यूक्रेन के अंदर भय पैदा किया जाए, साथ ही पश्चिमी देशों के अंदर भी यह डर पैदा किया जाए कि अगर उन्होंने ज्यादा मदद की यूक्रेन की तो रूस पश्चिमी देशों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा रूस ने यह भी दावा किया है कि इन हमलों के दौरान करीबन 100 से ज्यादा यूक्रेनी सेना के जवान मारे गए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन इन हमलों से दुनिया को भी खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि मान लीजिए कि रूस का यह कदम फेल हो जाता है, हाइपरसोनिक मिसाइल काम नहीं आती रूस के, तो इसके बाद तो फिर परमाणु हथियार ही है। क्या फिर अंत में थक हार कर रूस परमाणु हथियार चलाएगा यूक्रेन पर? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर तो दुनिया में विश्व युद्ध छिड़ना निश्चित। आप मानिए, हालांकि आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, न्यूज तो बड़ी खतरनाक से खतरनाक होती जा रही है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो रही है। बात सुलझने की जगह और बिगड़ रही है। तो मुझे तो यही लग रहा है इस सबसे देखकर कि भैया रशिया जो है वो कॉन्कर नहीं कर पा रहा, और अब थोड़ा डेस्परेट हो रहा है कि जल्दी से अब इसको अटैक करके खत्म करें इस वॉर को। तो अब उस वजह से वो सोच रहा है कि भाई मैं कुछ भी यूज करके कर दूं, तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं उन वो लॉन्च करके डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि किसी तरह से लड़ाई खत्म होए और हम जीते। और बात सोचने वाली है कि इतनी डेस्परेशन है, और वो दिखा भी रहे पूरे वर्ल्ड को कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये मत सोचो अगर हमें न्यूक्लियर यूज करनी पड़ी तो हम करेंगे, और वो तो पुतिन ने पहले से ही बोला हुआ है कि हम न्यूक्लियर भी यूज कर देंगे। तो सिचुएशन बहुत खराब है, और वो मेरे को लगता है कि थोड़ा फायदा भी उठा रहे हैं कि वर्ल्ड जो चुप बैठा है क्योंकि न्यूक्लियर है और कोई भी नहीं डिस्ट्रक्शन चाहता। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रही, मुझे कुछ गफला लग रहा है मुझे ये, मतलब लॉजिक में मेरे जब सोचती हूँ कि एक नेटो से ज्वाइन होने वाला चाहता हो कोई कंट्री, तो आपको उससे इतनी वो हो गई जैसे जानी दुश्मन बन गया। हाँ, कि वो जान उसको पूरा खत्म तबाही करना है, और आप खत्म उसके लिए आप कुछ भी न्यूक्लियर भी कर दोगे, हाइपरसोनिक भी कर दोगे। मुझे लग रहा है यहाँ तो इंटरनली कोई प्रॉब्लम्स इतनी मेजर हैं
कि उसकी वजह से इधर पे इधर फोकस करने लग गए हैं, क्योंकि सेंस नहीं बनाता। अगर कोई आम सोचे बंदा कि भैया इतना हद तक जाके पूरे वर्ल्ड में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देना और खत्म भी नहीं हो रही, उसके बाद आप इतने डेंजरस वेपन्स यूज करो, कुछ बात समझ नहीं आती। राइट, देखिए ये बहुत ही अजीब बात हो रही है कि एक कंट्री जो है दूसरे पे इन्वेड कर रही है जैसे जानी दुश्मन है। हाँ। कि हम सिविलियंस को भी उड़ा देंगे, जहां पे सिविलियंस छुपे हुए थे कहीं पर, जहां पे थिएटर कोई कह रहे थे वहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ था आसपास चिल्ड्रन चिल्ड्रन, उसको भी उड़ा दिया उन्होंने। तो जहां पर भी सिविलियंस है वहां पर अटैक हो रहा है, प्रिसाइज वेपन्स खत्म हो चुके हैं या अब यूज नहीं हो रहे, जितने पुराने जमाने के वेपन थे वो यूज कर रहे हैं। साथ में हाइपर सोनिक मिसाइल्स, ये यूएस की न्यूज थी कि शायद उन्होंने ये यूज किया है, पता नहीं किया नहीं किया, नहीं तो आ ही गया ना हाइपरसोनिक, हर जगह आ रहा है। अगर जो है मैं पहले यूएस में आया था कि शायद हाइपरसोनिक यूज किया है, हो सकता है पता चल गया हो, वेरीफाई हो गया हो, मुझे पता नहीं कितने डिग्री तक वेरीफाई हुआ है। मगर ऐसे बोलना कि हम और लीथल हो जाएंगे, अगर आप किसी भी कंट्री पे न्यूक्लियर वेपन्स करेंगे तो उस कंट्री जो न्यूक्लियर वेपन्स कर रही है बिना किसी प्रोवोकेशन के, क्योंकि एक होता है कि पहले किसी ने आपकी टेरिटरी पे अटैक किया, तो वो कैसे, देखो मैं न्यूट्रल था, तुमने मेरे पे अटैक किया, मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूं, वो एक पॉइंट है। ये बोलना कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लोगों ने कुछ डिसाइड किया है अपने लिए कि वो ज्वाइन होंगे, तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो बोल रहे हैं हमारा एक इंडिपेंडेंट नेशन है, उस इंडिपेंडेंट नेशन हम कुछ भी करें हम ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारी मर्जी। उसके रिस्पॉन्स पे इतना तो प्रॉब्लम आ जाएगी, मगर इससे इतना जरूर है कि अनफॉर्चुनेटली रशिया के लोग गरीब हो जाएंगे। आप कुछ भी कह लीजिए, जिस तरीके से इकोनॉमिक सैंक्शंस आ रहे हैं, जितने उनके ओलिगार्क जो हैं उनको तकलीफ हो रही है, सभी को प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे इकोनॉमी उनकी डूब रही है, उनका रूबल डूब रहा है, तो इन सब चीजों से साधारण इंसान को फर्क पड़ेगा रशिया में। और कितने वो जनरेट करेंगे फ्रीडम फाइटर्स यूक्रेन में, उसका भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जिसके कंट्री में ये सब हो रहा है, यूक्रेन में जिसके रिलेटिव्स मर रहे हैं, जिसके सिविलियन लोग मर रहे हैं, वो चुप बैठेगा क्या? वो क्या करेगा? वो जैसे ही बाहर निकलेगा, वो आपने समझ लीजिए एक तरीके का एनिमी रेडी कर लिया आपने अगेंस्ट, वो लोग कभी नहीं भूलेंगे। पूरी जनरेशन जो है उनकी वो नहीं भूलेगी कि, और वो क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे एक देश के प्रति जिन लगा था कि उस सिविलियंस को मार दिया। तो पॉइंट काफी बुरा हो रहा है, क्योंकि लड़ाई झगड़े में यही रिजल्ट होते हैं। अगर आप, मेरा तो यही सोचना है, अगर आप प्यार मोहब्बत से सॉफ्ट पावर से पीसफुली काम कर लेते तो शायद बेटर होता। इस जमाने की बातें, मिडिविल टाइम की बात अलग थी, पुराने जमाने की लड़ाई हो रही है, तलवारें लेके चले गए एक दूसरे को मार दिया, वो पुरानी जमाने। इस समय जो मॉडर्न वर्ल्ड माना जाता है, मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा होना कोई अजीब सी बात, कुछ चलाकी से करते, कुछ जैसे लोन दे दिया, कुछ कर दिया, कोई ऐसी डील कर ली, जैसे लोग करते हैं असैसिनेट करा देते हैं टॉप, जहां पर भी मिलिट्री कू होते हैं, कैसे होते, किसी को मरवा दिया आपने, मिलिट्री कू करा दिया, अंदर से कर दिया, वैसे लोग होते हैं। ऐसे वॉर करके तो बड़ी अजीब सी बात, कितने लोगों के वहां पे मिलिट्री कू होके गवर्नर बदलती है, फिर आती है, फिर बदलती है, फिर आती है, अंदर से मतलब जो भी पॉलिटिक्स होती है, डीप पॉलिटिक्स, इस तरीके के नहीं है कि इन्वेड हो जाए। तो और इस बात पे गर्व करना कि हम किसी को, यू सिविलियंस को ऐसे मार रहे हैं, आपने डिपो कर दिया, मगर यूक्रेन की स्टोरी तो यही है कि बहुत सारे सिविलियंस बन रहे हैं, वो फोटोज भी दिखाते हैं, देख लीजिए कि हमारे यहाँ पे मैटरनिटी वार्ड था जहाँ पे मदर्स मर गए, अनबॉर्न चिल्ड्रन मर गए, तो वो उनका अपना दिखा रहे हैं, तो यूक्रेन वाले बता रहे हैं कि देखो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं सिविलियन की, तुम तो कहीं भी मार रहे हो, तो काफी होता है इंटेंशन से मारने के, वो तो कह भी रहे हैं, तो कह भी रहे हैं कि हम सब इनडिस्क्रिमिनेटली मारेंगे जब तक तुम सरेंडर नहीं करते। वो तो उनका पहले से ही एम है और वो रुकेंगे तो है नहीं। अब देखो एंड रिजल्ट क्या होता है, सिचुएशन बहुत ही खराब होती जा रही है, वर्ल्ड के लिए टेंशन की बात है ये देखकर। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।